गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज मैं पुलिस अधीक्षक जो जिले के एसपी हैं उनके पास मौजूद हूं और इनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि जो हर घर तिरंगा अभियान है उसके अंदर तिरंगा लगाने के क्या नियम कानून है और किस तरह की ढील दी गई है। सर, अभी 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, लोग बहुत उत्सुक हैं, उत्साही हैं और लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग तिरंगा लगाएं, जगह जगह पर बिक्री भी होने लगी है, तो क्या नियम और कानून अभी फिलहाल इस हर घर तिरंगा अभियान के लिए बदले या बदलाव किए गए या बनाए गए? सबसे पहले तो मैं सभी जलगांव जिले के नागरिकों से आह्वान करूंगा कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के हिसाब से 13, 14 और 15 अगस्त के दिनों में दिन रात दोनों टाइम अपने अपने घरों पे हमें तिरंगा लहराना है और उसको आप दिन में और रात में भी रख सकते हैं। कुछ जो फ्लैग कोड ऑफ नेशनल फ्लैग कोड है 2002 का, उसके तहत हमें कुछ निर्देश है जो हमें सबने हमारे जहन में रखने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी फटा हुआ या खराब हुआ तिरंगा हमें घर पे नहीं लहराना है। हमारा जो केसरी कलर है वो सबसे ऊपर रहे, जो बेसिक चीज़ है, उसमें कोई गलती कोई ना करे। उसे घर पर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं लेकिन वो जगह ऐसी हो जिससे तिरंगे की शान अपमान दिखती हो, मतलब कहीं नीचे ना लगाए। ज्यादातर घर के दिखने वाले हिस्से पर, ऊपरी हिस्से पर ज्यादा से ज्यादा लगाने का कोशिश करें। बाकी कहाँ पे लगाए ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट ऐसी जगह पे लगाए जिससे उसकी शान में बढ़ावा हो, उसकी शान में कमी आई है ऐसा ना दिखे। सर, कुछ पहनावा टाइप का भी अभी बाजार में तिरंगा दिख रहा है, तो क्या इस तरीके के अलाउड? देखिए, कोड के तहत कोई भी व्यक्ति तिरंगे के किसी कपड़े को पहन नहीं सकता। कोई जैसे थैली हो, बैग हो, उसका भी, उसके ऊपर भी तिरंगे का मटेरियल से उसको नहीं बनाना है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। और जो हमारी गाड़ियां होती है, गाड़ियों के ऊपर जो आगे एक झंडा रहता है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड लोग ही उसमें वो तिरंगा लगा सकते हैं। जो सामने डंडी छोटी रहती है उसके ऊपर हर कोई वो तिरंगा नहीं लगाना है। जो डेजिग्नेटेड डिग्निटरीज हैं, प्रेसिडेंट से लेके नीचे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस है, मिनिस्टर्स है, उनके लिए ही वो अलाउड है। तो उस डंडी पर आप तिरंगा लगाना अलाउड नहीं है सामान्य लोगों के लिए। सर, 13 से 15 तारीख तक ये हम लोग घर पे तिरंगा लगा लेंगे, हर घर पे तिरंगा लग जाएगा, इसके बाद क्या, किस तरीके से तिरंगे की देखरेख करनी है? जो तिरंगा आप अपने घर पे लहराने वाले हैं वो 15 के बाद उसे आप अपने घर पे ही अच्छी तरीके से संभाल के रखिए। अगर वो किसी चीज से, किसी तरीके से डैमेज हो गया ऐसा आपको लगता है तो आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उसका दहन कर सकते हैं प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब है कि आपको पब्लिकली नहीं करना है, ना ही उसका कुछ आप, मैं सलाह दूंगा कि आप वीडियो या फोटो निकालें, आपके घर में बिल्कुल प्राइवेट तरीके से आप उसका दहन करके उसे डिस्पोज कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण मुंडे, जिले के एसपी, जो बता रहे थे कि बेसिक हम लोगों को किस तरीके से 13 से 15 तारीख तक जो छूट मिली है हर घर झंडा अभियान के तहत, उसमें हम लोगों को झंडा लगाना है और किस तरीके से झंडे का सम्मान करना है। हम सभी रिक्वेस्ट ये करते हैं आप सभी से कि कुछ भी ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे तिरंगे का अपमान हो, क्योंकि ये जो दिन है ये हम उसको सम्मान देने के लिए लेकर आए हैं। जो नियम कानून में थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं ये हर आदमी उसको सम्मान दे पाए इसके लिए है, तो कृपया कर इसका अपमान न करें। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने और जानकारी देने के लिए। जय हिंद।